आज भारतीय इतिहास के योद्धाओं की वीरता की वो गाथा बताऊंगा जिसको सुन आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हमारे देश की धरती पर लड़ा गया एक ऐसा युद्ध जो भारत के इतिहास को बदलने की क्षमता रखता था। जनवरी सन 1544 जहां शेरशाह सूरी अपने 80,000 सैनिकों और 40 तोपों के साथ सुमेल नामक स्थान पर डेरा डाले खड़ा था, वहीं दूसरी तरफ मालदेव राठौर और जैता कुंपा अपने 15,000 सैनिकों के साथ शेरशाह सूरी का मुकाबला करने के लिए नंगी तलवार लिए खड़े थे। शेरशाह सूरी इतना था कि भले ही राजपूतों की संख्या 15,000 है लेकिन इनसे सीधा टक्कर लेना बेवकूफी होगी। तब शेरशाह सूरी ने अजमेर के शासक वीरमदेव मेहता का सहारा लिया और उनके हाथों जैता और कुंपा को 20,000 रुपए की रकम भिजवाई, क्योंकि मालदेव राठौर और वीरमदेव का दरिया जोश नामक एक हाथी को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था। उस विवाद के चलते मालदेव ने वीरमदेव से अजमेर का क्षेत्र छीन लिया था। वीरमदेव ने वो रकम ले जाकर जैता और कुंपा को दिया और 20,000 की तलवारें और 20,000 के कंबल मांगे, जिसके बाद शेरशाह सूरी ने ये बात फैलवा दी कि जैता और कुंपा को उसने अपनी तरफ मिला लिया है। और जब मालदेव राठौर ने जैता और कुंपा के कैंप की तलाशी ली तो उनको वहां से 20,000 रुपए की रकम मिली, जिसके बाद संदेह होने पर मालदेव राठौर ने अपने 7,000 सैनिकों को लेकर युद्धभूमि को छोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन जैता और कुंपा ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करना जरूरी समझा और अपने बचे कुचे 7-8 हजार सैनिकों को लेकर शेरशाह सूरी की 80,000 सैनिकों से भिड़ गए। पहले तो शेरशाह सूरी को लगा कि वो युद्ध आसानी से जीत जाएगा, लेकिन जब युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंचा तो शेरशाह सूरी के पसीने छूट गए। देखते ही देखते उन 7,000 राजपूतों ने शेरशाह सूरी की 30,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। राजपूतों की वीरता को देखकर शेरशाह सूरी ने युद्ध भूमि को छोड़ने का निश्चय बना ही लिया था कि तभी उसके सेनापति खबास खान ने ये खबर दी कि जैता और कुंपा युद्ध भूमि में मारे गए। तब जाकर कहीं शेरशाह सूरी ने राहत की सांस ली। अगर मालदेव राठौर ने अपने सेना नायकों जैता और कुंपा के ऊपर जरा सा भी विश्वास किया होता तो शेरशाह सूरी को आसानी से हराया जा सकता था। युद्ध की समाप्ति के बाद जैता और कुंपा की बहादुरी को देखकर शेरशाह सूरी ने कहा था कि अभी मैं मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता, और अगर कहीं ऐसे योद्धा मेरे पास होते तो मैं तो विश्व विजयी कर लेता। लेकिन अगर मालदेव राठौर युद्ध भूमि को छोड़कर नहीं गए होते तो शेरशाह सूरी ये बोलने के लिए जिंदा नहीं रहता। इस युद्ध ने पूरे हिंदुस्तान में ये मुनादी करवा दी थी कि संख्या के बल पर राजपूतों से जीतना असंभव है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में इन महान शूरवीर योद्धाओं के लिए एक कमेंट जरूर करना।